दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने लगा तो एक सवाल मेरे मन में बार बार आने लगा कि टेस्ट क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन, वो कौन सा खिलाड़ी जिसने रेड बॉल क्रिकेट में अपनी एक अद्वितीय लेगेसी बनाई। औसत के हिसाब से देखा जाए तो सर डॉन ब्रैडमैन, स्टीव स्मिथ, रनों के लिहाज से देखा जाए तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जिनके आगे किसी गेंदबाज की एक न चलती थी। बेबाकी और बेखौफ मिजाज से तो सर विव रिचर्ड्स, वीरेंद्र सहवाग, फ्लेम वाइंड चीख चीख कर ब्रायन लारा कहती है, दृढ़ता और संयम शिव नारायण चंद्रपाल का नाम पुकारता है। लेकिन अगर तकनीकी के हिसाब से देखें तो अपने अभेद्य डिफेंस और अत्यंत धैर्य पूर्वक लहजे से खेलने वाले बल्लेबाज जो घंटों पिच पर डटे रहकर टीम को खराब स्थिति से निकालकर बड़े स्कोर करते, वो मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ ही थे, जो दीवार की तरह क्रीज पर खड़े रहते और काफी बार हार और ड्रॉ का अंतर बनते। उनकी इसी उच्च गुणवत्ता वाली बैटिंग के चलते उन्हें टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना गया। अब जरा सोचिए कि जिस टीम के नंबर 3-4 ही द्रविड़ सचिन जैसे धुरंधर हों, जो गेंदबाजों पर रत्ती भर भी तरस नहीं खाते थे और अपना विकेट देने को राजी नहीं होते थे, घंटों गेंदबाज को थका कर उनका मनोबल ही तोड़ देते थे और विश्व भर के बड़े बड़े गेंदबाजों के उनके सामने पसीने निकल जाते थे। लेकिन ऐसे बल्लेबाजों के यदि कोई गेंदबाज अपने पहले ही मैच में बड़ी ही आसानी से आउट कर जाए तो पहले तो आंखों पर यकीन ही नहीं होता, और अगर यकीन भी हो तो ये बात हजम करना बड़ा ही मुश्किल है कि ऐसा कौन सा 30 मार खाना गया जो इतनी बड़ी हस्ती को एक साथ आउट कर गया। ऐसे दृश्य बार बार देखने को नहीं मिलते। 1999 के बाद शायद ये दूसरी बार हुआ जब कोई न्यू कमर भारत की ही सरजमी पर भारत के ही दो अनमोल रत्नों और टेस्ट क्रिकेट के महानायकों को चकमा दे जाए। भाई उसमें टैलेंट तो काफी तगड़ा होगा ही, कुछ बात तो खास होगी, क्योंकि जब वह भारत के सामने आया तब इन्हें अपनी फिरकी पर नचाया, एक बार नहीं बार बार। अब आप सुनकर सोच रहे होंगे कि ये कारनामा पहले शोएब अख्तर ने किया, उनका खूब नाम हुआ, वे बहुत बड़े खिलाड़ी बने, फिर तो इस खिलाड़ी का भी करियर काफी सुनहरा रहा होगा, अपनी टीम का ये हीरो भी रहा होगा। परंतु बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस खिलाड़ी में टैलेंट तो भरपूर था लेकिन वह कभी उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाया, कभी महान खिलाड़ी का ठप्पा उस पर लग ही नहीं पाया, और कैसे शराब पीकर की गई उसकी गुस्ताखी ने उसे दुनिया में बदनाम कर दिया, साथ ही उसका करियर भी तबाह कर दिया। दोस्तों बात कर रहे हैं मोंटी पनेसर की, जो किसी समय इंग्लैंड के बेस्ट स्पिनर हुआ करते थे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनके उतार चढ़ाव भरे करियर की, साथ ही जानेंगे कि कैसे ये चैंपियन गेंदबाज अर्श शेफर्स पर आ गया और कहीं गुमनाम सा हो गया। मधुसूदन सिंह पनेसर का जन्म 25 अप्रैल 1982 को यूनाइटेड किंगडम के लूटन शहर में हुआ। वैसे कहने को तो उनका निकनेम मोंटी है लेकिन यही वो नाम है जिसने उन्हें पहचान दिलाई। उनके पिता परमजीत सिंह और माँ गुरशरण कौर भारतीय मूल के सिख वंशज के ही हैं, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे और लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। अब पंजाबियों को खाने पीने का बहुत शौक होता है, ये तो बात किसी से छिपी नहीं है, भले ही वो इंग्लैंड में हो पर उनकी जड़ें तो भारतीय ही थी। मोंटी का परिवार भी कुछ ऐसा ही था। मोंटी भी बचपन से मोटे और चर्बीदार थे। 10-11 साल की उम्र तक मोंटी को क्रिकेट से कोई खास लगाव नहीं था, उन्हें ट्रेनिंग करना भी पसंद नहीं था, वे कभी कभार संडे को मैच खेलने जरूर जाया करते थे, और धीरे धीरे मोंटी का लगाव क्रिकेट में बढ़ता चला गया। वो थे तो वसीम अकरम के बड़े वाले फैन, उन्हीं को देखकर उनमें क्रिकेट का जुनून जागा और वो भी उन्हीं की तरह एक गेंदबाज बनना चाहते थे। लेकिन 3-4 साल तक अकरम बनने की दौड़ में वे कहीं आगे नहीं जा पाए और ना ही उनके पास अधिक गति थी। जब वे 15 साल के थे तो उन्हें कोच पॉल टेलर के रूप में एक फरिश्ता मिला, जिसने उनके पोटेंशियल को पहचानते हुए उन्हें लेफ्ट आर्म स्पिनर बनने की सलाह दी, और अगले ही मैच में 7 विकेट लेकर मोंटी ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरना शुरू किया। ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मोंटी ने एक इंटरव्यू में बताया कि पॉल टेलर उनके लिए भगवान थे। अब मोंटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और स्कूल लेवल पर एक कमाल की परफॉर्मेंस कर उन्होंने अपना एक नाम बनाया, और साल 2001 उनके लिए ब्रेक थ्रू ईयर साबित हुआ, जहां पहले तो उन्हें इंग्लैंड की अंडर 19 टीम में जगह मिली, साथ ही फर्स्ट क्लास करियर में भी उन्होंने पदार्पण किया, जहां नॉर्थहैम्पटन शायर की ओर से खेलते हुए लीसेस्टर शायर के खिलाफ 8-131 के करिश्माई आंकड़े के साथ मोंटी ने अपने प्रथम श्रेणी करियर की शानदार शुरुआत की थी। लेकिन उन्हें अपनी जगह पुख्ता करने में 4 साल लग गए। 2005 के सीजन में ताबड़तोड़ 51 विकेट लेकर मोंटी ने मानो चयनकर्ताओं का दरवाजा खटखटाया नहीं, तोड़ ही डाला। 2006 वो समय आया जब भारतीय दौरे के लिए उनका चयन इंग्लैंड टीम में हुआ और भारत के खिलाफ उनका नागपुर टेस्ट में डेब्यू हुआ। सचिन तेंदुलकर के बड़े विकेटों से उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। वहीं दूसरे पारी में राहुल द्रविड़ का बड़ा विकेट लेकर अपने पहले टेस्ट में ही बड़े बड़े दिग्गजों को चलता कर खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद घरेलू सीरीज में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहला फाइवर भी लिया। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुई सीरीज में भी उन्होंने काफी प्रभावित किया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में उनका नाम न आना शॉकिंग था। पनेसर की आर्म बॉल उनका सबसे कारगर हथियार थी, ये वो घातक वेरिएशन थी जिससे बल्लेबाज पढ़ने में चकमा खा जाते हैं। और अपने शुरुआती दिनों में मोंटी ने आर्म बॉल से काफी सफलता भी पाई। 2007 की यशस भले इंग्लैंड
5-0 से बुरी तरह हारी, लेकिन इंग्लैंड का इकलौता पॉजिटिव पनेसर ही थे जिन्होंने केवल 3 मैचों में 10 विकेट छटके। वाका में फाइफर लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बने। 2007 में उन्होंने ओडीआई में अपना डेब्यू किया, जो कद मोंटी का टेस्ट में था। ओडीआई में उन्हें वैसी सफलता हासिल नहीं हुई और वे अधिक विकेट नहीं निकाल पाए। हाँ, लेकिन वे काफी किफायती स्पेल करते जो कि बल्लेबाजों पर खूब प्रेशर बनाती। वेस्टइंडीज के इंग्लैंड दौरे पर मोंटी ने कैरिबियन बल्लेबाजों की तबीयत से खातिरदारी की और क्या फाइफर क्या टेम्पर उस श्रृंखला में ये सब ले डाला। खासतौर पर चंद्रपॉल जैसे लेजेंड जिनका टेस्ट क्रिकेट में काफी नाम था, उन्हें भी श्रृंखला में मोंटी ने काफी परेशान किया। इस सीरीज में 23 विकेट लेकर वे मैन ऑफ द सीरीज भी बने। इसके बाद जब भारत इंग्लैंड गया तो मोंटी ने फिर सचिन को खूब परेशान किया और लॉर्ड्स पर उन्हें बिल्कुल नागपुर टेस्ट के एक्शन रिप्ले में LBW आउट किया। इसके बाद डंकन फ्लेचर ने उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ फिंगर स्पिनर करार दिया। वहीं फिल टफनेल के बाद उन्हें इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर भी कहा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था और मोंटी का करियर भी काफी बुलंदियों पर चल रहा था, लेकिन न जाने उन्हें किसकी नजर लग गई, उनके प्रदर्शन में भी कमी आने लगी। साथ ही उनका कॉन्फिडेंस भी काफी डाउन बॉडी लैंग्वेज वाला रहा और 2009 की एशेज के पहले टेस्ट में हालत बद से बदतर हो गए जब एक टर्निंग ट्रैक पर वे फीके नजर आए। हालांकि बल्ले से उन्होंने कुछ जादू दिखाया और एंडरसन के साथ 10वें विकेट के लिए 11.3 ओवर ब्लॉक कर इंग्लैंड को मैच बचा कर दिया। इसके बाद मोंटी को टीम से तो ड्रॉप किया ही, साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन मोंटी ने हार नहीं मानी और ससेक्स की टीम ने उनके भाग्य बदल दिए। पहले 2009 सीजन में उन्हें 52 विकेट, फिर 2011 में लिए उनके 69 विकेट ने कोहराम मचा दिया था, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम में उन्होंने जोरदार कमबैक किया और 2012 की पाकिस्तान सीरीज में उन्हें टीम में शामिल किया गया। हालांकि 2 मैचों में उन्होंने 14 विकेट छटके, लेकिन इंग्लैंड 3-0 से सीरीज हार गया और इंग्लैंड का भारत दौरा भला कौन भूल सकता है, जब 2004 के बाद भारत दूसरी बार कोई घरेलू सीरीज हारी। 1-0 से पछड़ने के बाद टीम में मोंटी को शामिल किया गया और आते ही उन्होंने मैच में 11 विकेट झटक क्राउड को स्तब्ध कर दिया। उनकी बदौलत इंग्लैंड यह सीरीज जीता। मोंटी ने 17 विकेट लेकर काफी इम्प्रेस किया। सब कॉन्टिनेंट के ही बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मोंटी ने यह कारनामा बार बार किया, वो भी एक बेहद सरल लक्षण के साथ। वापस उनकी गाड़ी ट्रैक पर आने लगी और फिर स्वान के तत्काल रिटायर होते ही वापस से टीम का प्रमुख स्पिनर बन अपनी जगह पुख्ता करने का उनके पास सुनहरा मौका भी था। लेकिन कहते हैं ना कि यदि आदमी अपने एटीट्यूड और आदतों पर काबू कर ले तो सफलता के शिखर पर जा सकता है, लेकिन मोंटी वो नहीं कर पाए। उन्हें शराब की बेहद बुरी लत थी जो आगे चलकर उन्हें ले डूबी। मोंटी कई कंट्रोवर्सीज का शिकार हुए। साल 2013 में ब्राइटन क्लब में मोंटी ने देर रात पार्टी की, खूब लड़कियां छेड़ी और जब सुबह 4 बजे तक वे दारू के नशे में चूर रहे तो कई बार समझाने के बाद बाउंसरों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मोंटी शराब के नशे में इतना धुत थे कि बाउंसरों की उन्होंने एक नहीं सुनी और उन्हीं पर पेशाब कर दिया, जिसकी एक शर्मनाक MMS कुछ समय बाद लीक हुई, जिसमें मोंटी की जमकर बदनामी हुई। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इसे क्रिकेट का सबसे काला स्कैंडल माना गया जिसने क्रिकेट को काफी शर्मसार किया। हालांकि इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया और इसके बाद उन्हें ससेक्स ने तो रिलीज ही किया, साथ इंग्लैंड टीम ने भी उनके लिए अपने दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। बैटिंग और फील्डिंग वैसे तो मोंटी का कुछ खास था नहीं और मोइन अली रशीद जैसे कमाल के स्पिनरों ने उनकी टीम से हमेशा के लिए छुट्टी कर दी। अब मोंटी क्लब क्रिकेट या थोड़ी बहुत घरेलू क्रिकेट तक ही सीमित रह गए और बोर्ड से कोई सहायता न मिलने पर वे काफी समय डिप्रेशन में चले गए। हालांकि उन्होंने डिप्रेशन से बाहर आकर दोबारा क्रिकेट खेलने की इच्छा जाहिर भी की, लेकिन इंग्लैंड ने उन्हें राइट ऑफ कर दिया। देखते ही देखते इंग्लैंड का यह महान स्पिनर कब आंखों से ओझल हो गया किसी को पता ही नहीं चला। जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया वो थोड़ा निराशाजनक है। बोर्ड द्वारा उन्हें थोड़ा अच्छे से मैनेज किया जा सकता था, साथ ही अगर वो अपने रवैये में सुधार और शराब पर काबू करते निश्चित ही आज इंग्लैंड के ऑल टाइम ग्रेट्स मैन की गिनती होती। 2019 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसमें बॉल टेम्परिंग का पर्दाफाश करते हुए ये भी साफ किया कि एंडरसन को रिवर्सिंग करने के लिए जिब सलीबा में स्पिट मिलाकर बॉल को शाइन किया जाता था। और तो और उन्होंने भारत में 2019 की रणजी ट्रॉफी खेलने की इच्छा जताई, लेकिन अब उनके करियर की शाम हो चुकी थी। हाल ही में हुई रोड सेफ्टी सीरीज और लेजेंड लीग में भी उन्हें खेलते हुए देखा गया, जहां उन्होंने सालों बाद दोबारा सचिन का आउट कर फैंस को आनंदित किया। मोंटी ने अपने करियर में कुल 50 टेस्ट में 167, 26 ODI में 24 और एकमात्र T20 में 2 विकेट झटके। वेरड बॉल में एक अलग ही बीस्ट थे जिनके नाम 709 फर्स्ट क्लास विकेट भी हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी इंग्लैंड के महान मगर विवादित स्पिनर मोंटी पनेसर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर तो जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपके एक छोटे से लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल काफी बढ़ता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।